बसमिल्लर रही एक रिसर्च के मुताबिक यानी एक तहक़ीक जिसे कहते हैं हम उसके मुताबिक हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में तकरीबन अड़तीस हज़ार यानी थर्टी एट थाउज़ेंड लोगों को जो है वो रोज़ाना ब्लड जो है वो चढ़ाए जाते हैं अब वो रीज़न्स कुछ भी हो सकते हैं चाहे कोई सीवियर इंजरीज़ हो चाहे कैंसर पेशेंट हों चाहे थैलेमिया पेशेंट हो या और कोई इस तरह की इमरजेंसी जिसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग हो गई हो जिसकी वजह से फिर उन्हें ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है और वो किसी न किसी ब्लड बैंक या दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कॉन्टैक्ट करते हैं ताकि उन्हें ब्लड के पाउच मिल जाए या ब्लड के बैग्स मिल जाएँ और वो उनकी ज़िंदगी को बचा सके थर्टी एट थाउजेंड का ये फिगर ये कोई मामूली फिगर नहीं है अगर आप इसको दिन के साथ साथ अगर रोज़ाना के घंटों पर ले आएँ तो ई चार यानी एक घंटे में ये काउंट बनता है पंद्रह सौ के आसपास यानी तकरीबन साढ़े पंद्रह सौ लोगों को हर घंटे ब्लड पैक चढ़ाए जाते हैं अब जाहिर है ब्लड बैंक में भी ब्लड पहुँचने के लिए बहुत अब जाहिर है ब्लड बैंक में भी ये ब्लड पहुँचने के लिए ब्लड डोनेट करना होता है जो डोनेट करेगा वही वो, वो ब्लड बैंक में जाएगा और उसी के जरिए से लोगों की मदद की जाएगी आपका अपना वेलफेयर विंग गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन करने जा रहा है ब्लड डोनेशन कैंप ऑल ओवर इंडिया साथ ही साथ तेलंगाना स्टेट में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बिलखसूस बिलखसूस थैलेसीमिया की इस बीमारी से हम लोगों को नजात दें असल में होता यह है कि थैलेसीमिया में ये कम उम्र बच्चों को चाहे वो माँ बाप के ज़रिए से हेरिडिटी की वजह से अगर ये बच्चों में आया हो तो इसकी वजह से इनके जिसम में खून नहीं बनता या इनके जिसमें में वाइट ब्लड सेल्स की जो है कमी होती है या रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है जिसके नतीजे में इन्हें बाहर से खून चढ़ाना पड़ता है और ये रिक्वायरमेंट कंटिन्यू फुलफ़िल करने के लिए लगातार इन्हें ब्लड के जो है बैग्स चढ़ाए जाते हैं जाहिर है इस सीवियर सिचुएशन को डील करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करना है मैंने और हमारे भाई अब्दुलकरम भाई ने यह अज़म किया हुआ है कि हम ख़ुद भी ब्लड डोनेट करेंगे और सभी को इस पर लाएँगे कि आप भी ब्लड डोनेट करें याद रखिए एक ब्लड का पाउच तकरीबन तीन इंसानी जिंदगियों को बचाने के लिए काफ़ी है तो प्लीज़ डोनेट द ब्लड एंड सेव लाइफ अल्लामक वरहि वर्कू अलहमदिल्ला अभी हमने हमारे आरिफ साहब से सुना है कि ब्लड की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है लेकिन ब्लड जो डोनेट करते हैं इनका क्या फ़ायदा है तो इनका फ़ायदा ये है कि एक रिसर्च के मुताबिक के ब्लड जो डोनेट करते हैं उनके लिए जिसम में कैंसर होने के बहुत कम चांसेस होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैदराबाद में एक कैंप होने जा रहा है और एक करीमनगर में हैदराबाद का जो है ये नफ़ा फंक्शन हॉल तीगल कुंटा एक्स रोड यहाँ पर 18 अगस्त को होगा इन शाह सुबह 11 बजे से रात में 5 बजे तक ये रहेगा तो आप तमाम नौजवानों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी ज़रूर इसमें अपना हिस्सा मिलाए ज़रूरतमंदों की ताकि ज़रूरत पूरी हो सके आ, करीम नगर में जो होने जा रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह पंद्रह अगस्त के दिन होने जा रहा है तो आप ज़रूर करीम नगर के जो है वहाँ के नौजवान वो इसमें ज़रूर अपना हिस्सा मिलें सलामैक वरहि वर्का